तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग पे। सो है गाइस, आप सामने देख सकते हैं मंदिर, वहाँ माँ बम्बलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर प्रवेश कराते हैं और माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है और यहाँ से आप पूजा सामग्री ले सकते हैं, नारियल और चुन्नी अगरबत्ती। तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा है, आप सीढ़ी के जरिए भी ऊपर जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर टिकट घर से रोप वे का टिकट ले लेते हैं, पर पर्सन 100 रुपये लगता है और एंट्री लेते हैं यहाँ से। तो पर पर्सन 100 रुपये टिकट है आना जाना। तो चलिए ऊपर चलते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको व्यू गज़ब का दिखेगा। और यहाँ पर माता रानी के दरबार में पहुँच चुके हैं, पूरे वाल पे ग्लास लगे हुए हैं। जय माँ बम्बलेश्वरी। तो ये हमारे डोंगरगढ़ पे स्थित है, तो आप माता रानी का दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो नवरात्र के महीना पे यहाँ पर काफ़ी संख्या पे भक्त और श्रद्धालु की भीड़ होती है और आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी है और यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ पर पूजा पाठ व आरती का जो भी कार्यक्रम होता है ये महाराज जी के द्वारा किया जाता है। तो माता रानी का दरबार कुछ इस तरह से है, आप यहाँ पर आकर माता रानी का दर्शन ज़रूर करें। चलिए हम लोग बाहर की ओर चलते हैं, फिर मैं आपको बाहर से मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से व्यू है, आप देख सकते हैं सामने मंदिर है और मंदिर के बाहर बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, अभी मैं आपको वीडियो पर दिखाता हूँ। मंदिर के बाहर यहाँ पर व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर लोग अपनी मन्नत का जो भी होता है यहाँ पर चुन्नी बांध देते हैं। और कुछ इस तरह का व्यूज़ है, छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर घर और फ्लैट, तो कुछ इस तरह का है। और सामने मंदिर है, तो बाहर से मंदिर कुछ इस तरह दिखता है। सामने यहाँ पर रोप वे लगा हुआ है और नीचे की ओर चलते हैं, फिर आपको मैं जाते वक्त जो भी व्यूज़ होंगे मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही गज़ब गज़ब का है। तो चलिए बैठ जाते हैं लिफ्ट पे। नीचे की ओर चलते हैं, अब मज़ा आएगा ना वीडियो। तो मैं पहली बार ऐसे उड़न खटोला पे सफ़र कर रहा हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस वो गज़ब का है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और यहाँ पर देख रहे हैं लिफ्ट ऊपर जा रही है और हम लोग नीचे जा रहे हैं। और यहाँ का दोस्तों जो व्यूज़ है बहुत ही गज़ब का है, नीचे काफ़ी खाई है आप देख सकते हैं और जो व्यूज़ है ना वो गज़ब का है। तो देख सकते हैं रेलवे स्टेशन सामने और रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल पर ये मंदिर है और बहुत ही गज़ब गज़ब का व्यूज़ है आप देख सकते हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो नेक्स्ट लेवल मुझे लग रहा था एक्सपीरियंस यहाँ का। और देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं, तो मज़ा आ गया दोस्तों। ये ना पावागढ़ से छोटा है, बहुत छोटा है पावागढ़। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा है आप देख सकते हैं। पावागढ़ सो गया क्या? और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बोटिंग पॉइंट भी बना हुआ है और सामने आप देख सकते हैं वहीं पर हमें जाना है। और ये काफ़ी धीरे धीरे चल रहा था तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और व्यूज़ भी जो थे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मुझे माता रानी का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा और आप सभी यहाँ पर आएँ और एक बार माता रानी का जरूर दर्शन करें। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही भक्त श्रद्धालु जा रहे हैं लिफ्ट की सहायता से और आप सीढ़ी की सहायता से भी ऊपर जा सकते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भी पर पर्सन जो टिकट है आना जाना 100 रुपीज़ लगता है, तो ठीक ही है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लैंड कर रहे हैं और बहुत ही गज़ब का लगा दोस्तों यहाँ पर लैंड करने पे मुझे। अभी रोक रहे हैं, तो हमारी जो लिफ्ट है वो लैंडिंग हो चुकी है। तो बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। तो
मैं आपको एक्सपीरियंस बता नहीं सकता, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए उतरते हैं फिर। आज मुझे माँ बम्लेश्वरी जी का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग लाइन पे लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए। तो कुछ इस तरह का था आज का वीडियो। वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी दोस्तों।